कामरान, ये रहे पैसे। आपने मुझसे वादा किया था ना, पैसे आ जाएंगे तो मुझे पाकिस्तान टूर पर लेकर चलेंगे। अगर ये इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? वो कमेटी डाली थी ना मैंने, वही खुली है। वैसे तो 4 महीने बाद मिलनी थी, लेकिन मैंने उससे बहुत मिन्नतें की तभी जाकर दिए उसने मुझे। हैरत है यार, तो पापा को पैसे देने के लिए मैं इतना परेशान था, जब क्यों नहीं बताया मुझे इस कमेटी के बारे में तुमने? मुझे क्या पता था वो मुझे दे देगी इस महीने। अच्छा ना, मूड मत खराब करो, नबीला को पैसे देकर आऊं कि टिकटें बुक करवा दे? ठीक है भाई, जो मर्जी आए करो, वैसे भी कौन सा सुनती हो तुम मेरी। ठीक है, ये लीजिए बाजी, आपकी अमानत। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कुलसुम। पता है कुलसुम, तुमने मेरा ये सारा सामान अपने पास रखकर ना मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी थी। अच्छा मैं अब चलती हूँ। अरे बैठो ना, क्या हो गया, चाय पी कर जाना। कामरान आ जाएंगे तो बिला वजह नाराज होंगे अगर मैं घर में नहीं मिली तो। चलो ठीक है, खुदा हाफिज़। कुलसुम, बात सुनो, इसमें एक हार नहीं है। कौन सा हार? ये इस सेट का हार। मुझे क्या पता है इसमें हार है या नहीं, मैंने तो खोलकर देखा तक नहीं कि इसमें क्या है और क्या नहीं। आपने जैसे मुझे दिए मैंने रख दिए और उठाकर ले आई। ऐसा कैसे हो सकता है कुलसुम, मैंने मैंने अच्छी तरह देखकर तुम्हें दिए थे, इसमें हार था। आप बोल रही होंगी आपने कहीं और रख दिया होगा। नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है इसमें हार मौजूद था। ये इतना महंगा सेट है, मैं ऐसी लापरवाही नहीं कर सकती। मुझे क्या पता आपने लापरवाही की है या नहीं, मैंने आपसे कहा ना, आपने मुझे जैसे दिए वैसे मैं उठा कर ले आई, मैंने तो देखा तक नहीं, आपके मुझे चोर समझती हैं। नहीं नहीं सुन, मेरा कहने का ये मकसद नहीं है। तुम अपने घर जाकर देखो, हो सकता है तुमने जहाँ रखा हो वहाँ गिर गया हो। मैं अच्छी तरह देख कर ही लाई हूँ, अपनी जान से ज्यादा हिफाजत की है मैंने आपके जेवरात की, और आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है भाई। एक तो मैंने आपके साथ हमदर्दी की, आपके इतनी कीमती जेवरात संभाल कर रखे, अपनी जान पर खेल कर, रातों को सोती नहीं थी मैं टेंशन में, उल्टा आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। क्या हो रहा है सर? वो शौकत, मैंने ये जेवरात कुलसुम के। मैं बताती हूँ शौकत भाई, बाजी को लगता है कि मैं चोर हूँ, इन्होंने जो अमानत मेरे पास रखवाई थी मैंने उस पर खयानत की है, इनको लगता है कि मैंने उरूज का हार चुरा लिया है। ऐसे आपने किसी रिश्ते का ख्याल नहीं किया, किसी रिश्ते का ख्याल नहीं किया कि मैंने आप लोगों के साथ कितनी हमदर्दियां की हुई हैं, कितना अपना समझा था मैंने आप लोगों को। या अल्लाह, जमीन भर जाए और मैं उसमें से मां जाऊं, जिसे मैंने अपनी सगी बहनों से ज्यादा समझा आज उसी ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। सही कहते हैं कि भलाई का नेकी का कोई जमाना नहीं है आजकल, बस अपनी अपनी देखो,